अध्याय 17 विकास की समझ। बच्चों, क्या आप जानते हैं विकास क्या है? हमारे कल के जीवन से आज के जीवन के बीच जो परिवर्तन हुए हैं वही विकास है। आप जानते होंगे, पहले हम संचार के लिए पत्र व्यवहार या टेलीफोन का प्रयोग करते थे, लेकिन उनकी जगह आज हम मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल का प्रयोग न केवल बातचीत के लिए कर रहे हैं, बल्कि अन्य बहुत सारी सुविधाएं जैसे विभिन्न प्रकार के बिलों का भुगतान, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग सुविधा, रेल संबंधी जानकारी और देश दुनिया की तमाम खबरों को हम मोबाइल के माध्यम से घर बैठे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे, यही नहीं, आप अपनी शिक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। बच्चों, क्या आपने कभी अपने घर के किसी बड़े सदस्य से ये जानने की कोशिश की है कि उनके समय के विद्यालय कैसे होते थे? हमारे समय में हम विद्यालय में शिक्षा के लिए शिक्षक या किताबों पर ही निर्भर होते थे, लेकिन शिक्षा जगत में आए महत्वपूर्ण विकास के कारण आज आपके पास MMTB यानी मल्टीमीडिया टेक्स्ट बुक और QR कोड जैसी तकनीकें हैं, जिनके माध्यम से आप अपने विषय की शिक्षण सामग्री आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास ने ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड का रूप ले लिया है, और इन्हीं सभी विकास के कारण आज हमारी साधारण कक्षाएं स्मार्ट क्लास के रूप में तब्दील हो चुकी हैं। बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास की तरह ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाले विकास को समझने के लिए आइए हम अपने ही राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं पर एक नजर डालें। हम आज देखते हैं कि हमारे राज्य में निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुविधाओं और अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त कई अस्पताल खुल गए हैं, जैसे रायपुर में स्थित एम्स और बच्चों के हृदय रोग से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल नया रायपुर में स्थित है। उसी प्रकार पुरानी तकनीकों की जगह अब हम चिकित्सा के क्षेत्र में अत्याधुनिक उपकरण और नई मशीनों जैसे सीटी स्कैन, MRI, एक्सरे मशीन, ECG मशीन जैसे अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त मशीनों का प्रयोग हम कर रहे हैं। इससे हमारी बीमारियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है और बीमारियों की सटीक जांच की जा सकती है, जिससे मृत्यु दर में भी कमी आई है।